नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल डॉक्टर्स डे पर शहर के चिकित्सकों में दिखा उत्साह, कहा मरीजों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म। स्मार्ट सिटी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की प्रेस वार्ता, कहा जल्द दिखेगा स्मार्ट शहर। मायागंज अस्पताल के नए अधीक्षक ने पदभार किया ग्रहण, बोले मरीजों को देंगे बेहतर सुविधा। जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। और भागलपुर में चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर की चोरी, हजारों का सामान लेकर हुआ फरार। अब समाचार विस्तार से। देश में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाए। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे वर्ष 1991 में मनाया था। दरअसल 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संकट में भी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ढाल बनकर मरीजों का इलाज पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे पर भागलपुर के मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर सनातन कुमार ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हम लोग कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। वहीं अजंता डेंटल क्लिनिक के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कुमार ने कहा कि हर किसी के जीवन में एक चिकित्सक की अहम भूमिका होती है। हम मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। रवि ने कहा कि सभी लोगों को चिकित्सकों को सम्मान देने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन और अनलॉक 1 में देश भर के चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर अजय ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम लोग सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं। मेरे डॉक्टर्स सीनियर्स और जूनियर कलीग्स को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस जो है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और अफसोस की बात यह कि उनकी पुण्यतिथि भी आज ही के दिन है। 1 जुलाई 1962 में उनका देहांत हो गया था। उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था और 1948 में वो चीफ मिनिस्टर भी रहे वेस्ट बंगाल के। तो हमारे लिए बहुत डॉक्टर फर्टिनिटी के लिए बहुत एक मिसाल के इस पे ये किया जाता है। बहुत बड़े ये इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। आज डॉक्टर्स डे पे हम यही संदेश देना चाहेंगे। भागलपुर के जितने भी वासियों हैं उन लोगों से यही मेरा विनती रहेगा कि अभी भी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे मरीज वगैरह सब हैं सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और एक साथ हम लोग इस पे खड़े होकर के एज ए फर्स्ट वॉरियर डॉक्टर्स ये खड़े हैं इस लाइन में उन लोगों की सेवा देने की। डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स बंधुओं को बधाई। साथ में जनता से आग्रह है कि जब भी डॉक्टर जो सुझाव दें उस पर अमल करिए, चाहे ब्लड प्रेशर संबंधी हो या ब्लड शुगर संबंधी हो या कोरोना संबंधी हो। कोरोना में 3 चीज़ों का ख्याल अभी भी बहुत आवश्यक है। मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें और हाथ साफ करें। इसके अलावे कई बार डॉक्टरों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, जबकि डॉक्टर भगवान नहीं है, एक दूत है जो आपकी सेवा करता है और इलाज करके आपकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है। भागलपुर परमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने बुधवार को भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुक्त ने कहा कि अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से होगा, जिसमें स्मार्ट गंगा घाट, स्मार्ट रोड, मरीजों के लिए 1000 बेड का शेल्टर, नया टाउन हॉल समेत कई कार्य शामिल हैं। आयुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण कई कार्य में देरी हुई, लेकिन अब CCC बिल्डिंग एवं सैंडिस कंपाउंड सौंदीकरण को लेकर डिजाइन और लेआउट फाइनल कर लिया गया है, जिससे कार्य तेजी से हो सकेगा। इसके अलावा आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ई टॉयलेट बनने की कोई योजना नहीं है, लेकिन सैंडिस कंपाउंड में बैडमिंटन कोर्ट, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले कॉरिडोर, बाउंड्री एवं स्मार्ट गेट बनाया जाएगा, जबकि स्टेशन क्लब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। का जो प्रोजेक्ट है और CCC जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो हम लोग ने अवार्ड कर दिया है मार्च में ही, लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसकी डिजाइन लेआउट वगैरह फाइनल नहीं हो पाई थी।
वो अब जाके हम लोग फाइनल कर पाए हैं। तो इसके लिए सिटीजन लेवल एडवाइजरी फोरम, जिसमें कि एमएलए एमएलसी मेंबर होते हैं, इसकी जो बैठक है वो नगर आयुक्त ने की थी, उसमें डिज़ाइन पास हो चुका है दोनों सैंडिस का भी और ट्रिपल सी बिल्डिंग का भी, और अब इसमें तेज़ी से काम लगना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी बोर्ड की बैठक थी 24/6 को, उस बोर्ड की बैठक में भी हम लोगों ने इसको पारित करा लिया है, डिज़ाइन को, लेआउट को, सैंडिस में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, फाइनल लुक कैसे आएगा। ट्रिपल सी बिल्डिंग है, उसका भी डिज़ाइन जो है वो भी हम लोग ने पारित करा लिया है। तो अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जब तेज़ी से काम शुरू हो सकता है सैंडिस में और ट्रिपल सी बिल्डिंग में। तो सैंडिस में मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर 2 बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे, जिमनेजियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, वॉकवे बनेगा, बाउंड्री बनेगी, एक भव्य गेट बनेगा और किड्स प्ले एरिया भी एक बनेगा। इसके अलावा वहाँ पर जो स्टेशन क्लब है उसका जीर्णोद्वार होगा और साथ ही एक कैफेटेरिया बनेगा। तो ये सब चीज़ें सैंडिस में प्लान्ड हैं, बारी बारी से धीरे धीरे वो बनती जाएंगी। तो अभी बाउंड्री पे ही काम लगा हुआ है और उससे ज़्यादा अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाया है लॉकडाउन के चलते काम का, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और विधिवत उद्घाटन बाद में होगा। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भगत बनाए गए हैं। बुधवार को डॉक्टर अशोक भगत ने सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर अशोक ने नौलखा कोठी स्थित मेडिकल कॉलेज प्राचार्य कक्ष में मायागंज के नी वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल से चार्ज लिया। इसके पूर्व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा ने दोनों अधीक्षक का स्वागत करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी कराई। हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने डॉक्टर आरसी मंडल के सेवानिवृत्ति के बाद 3 माह का सेवा विस्तार कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर आरसी मंडल अधीक्षक का कार्य देख रहे थे। वहीं नए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत मायागंज अस्पताल में मानसिक रोग विभाग के एचओडी के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इधर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुमार सिन्हा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत और अधीक्षक पद से मुक्त डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने कहा कि सभी मिलकर मायागंज अस्पताल में बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारे 6.5 साल से अति विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर रामचरित्र मंडल सर रिटायर कर रहे हैं एज अधीक्षक। हम उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, इस 6.5 साल में उन्होंने इस अस्पताल को, मायागंज ये जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मैं इसका साक्षी हूं, मैं 33-34 साल से यहां शिक्षक भी रहा हूं। हमारे सामने जो चुनौतियां अभी जो COVID-19 को भी लेकर के है, जिसमें भी अपेक्षित सुधार हमारे यहाँ काफ़ी आ चुका है। अभी तक कुल कहा जाए तो 294 मरीज भर्ती हुए थे संस्थान में आज तक में, उसमें से 233 करीब डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक होकर के, मात्र एक मरीज की डेथ हुई थी और यहाँ से 7 मरीज विभिन्न कारणों से कहीं दूसरे अन्यत्र जगह पर भेजा गया था। और जहाँ तक जाँच का सवाल है, 752 के आसपास टोटल हम लोग का जाँच हो चुका है, जिसमें आज की तारीख में देखा जाए तो 202 पॉजिटिव केस आए थे। और हमारे संस्थान में पूर्व में भी करीब 4-5 केस भाग गया था, जो कि बाद में जिला के टीम द्वारा उसे लोकेट कर लिया गया। नहीं, सभी काम तो हो गया। लास्ट में जो हम ICU बना रहे थे वो चालू होने में 1 सप्ताह टाइम है, एक वो काम रह गया। दूसरा हम ऑर्थोपेडिक्स अलग किए हैं इमरजेंसी, उसके लिए एक बिल्डिंग बनाना बाकी रह गया। देखिए अभी जो संक्रमण बढ़ रहा है और सिर्फ भागलपुर के नहीं पूरे देश के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और 100% मास्क लगाना, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव में अपराधियों ने मंगलवार की देर शाम दीपो ताती के 30 वर्षीय पुत्र विजय कुमार ताती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी पूजा देवी ने घटना को लेकर बताया कि खाना बनाने के दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई देने पर जब भागकर घर से बाहर आई तो पति घर के बाहर खून से लथपथ गिरे पड़े थे और पास जाकर देखा तो उनकी सांसें बंद हो गई थी। जबकि विजय के पिता ने कहा कि घटना के वक्त वह घर पर ही थे और पड़ोसी ने ही रिश्तेदार के साथ मिलकर इकलौते बेटे की हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि मृतक विजय सब्जी बेचकर गुजर बसर करता था और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। दीपो ताती ने बताया कि गांव के कैलू ताती के कहने पर बलवाचक निवासी फौजदारी मंडल के पुत्र ने विजय को गोली मार दी,
जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वहीं थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की छानबीन जारी है। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर इलाके में सेवानिवृत्त शिक्षक के घर पर मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शिक्षक पवन पांडे बांका के स्कूल में कार्यरत थे, जहां से कुछ माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायर होने के बाद पवन पांडे दिल्ली चले गए थे, जहां लॉकडाउन में फंस गए। शिक्षक के बड़े भाई दिलीप पांडे ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। सुबह जागने पर गेट का ताला टूटा देख घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है।
विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी लगातार अपना दायरा बढ़ाते जा रही है, लेकिन सरकार के लाख दिशा निर्देश के बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया से पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों के मामले की पुष्टि हो चुकी है। नवगछिया प्रशासन की ओर से नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद लोग बांस की बैरिकेडिंग को पार कर धड़ल्ले से आ जा रहे हैं। सड़कों से लेकर दुकानों तक लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। एक ओर जहां लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वहीं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी नहीं की गई है। पूरा नवगछिया अनुमंडल कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके कारण कई जगहों पर प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि कंटेनमेंट जोन में भी लोग धड़ल्ले से दुकान खोल रहे हैं और लोगों की भीड़ जुट रही है। हम आपको बता दें कि नवगछिया के थानाध्यक्ष समेत सभी पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, नवगछिया में रोजाना नए मामले मिल रहे हैं। एक ओर जहां एसडीओ मुकेश कुमार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए नजर आए, वहीं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस से कंटेनमेंट जोन समेत पूरे क्षेत्र के नियमों का पालन कराने को कहा गया है। अभी कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हुए हैं, तो हायर वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार हमने हर जगह बैरिकेडिंग करवा दी गई है। हमारे द्वारा जितना भी हर संभव प्रयास हुआ है, मास्क का भी वितरण किया गया गरीबों के लिए, ठेला चालक, रिक्शा चालक या उन वेंडरों को जो गरीब तबके के लोग हैं, और उनसे ये भी कहा जा रहा है सबसे, सभी नगरवासी से कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। सर कहाँ कहाँ से जरूरत पड़े तो घर से बाहर निकले। नवगछिया में अभी तक जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, सभी दो चेन से निकले हुए हैं। अभी तक सामुदायिक फैलाव का कोई भी चिन्ह हम लोगों के पास नहीं आया है। जिनके भी रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, सभी का कोई ना कोई कंटैक्ट है। विगत दिनों ये देखा गया है कि इस नवगछिया शहर में लोग मास्क का प्रयोग कम से कम कर रहे हैं। हम सभी नवगछिया वासियों से अपील करते हैं कि वे अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, हर समय जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, और यदि वे बाजार में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। भागलपुर सुंदरवती महिला कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रमन सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित कर शिक्षकों और कर्मचारियों ने नए प्राचार्य का स्वागत करते हुए पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रचना ठाकुर के कार्यों की सराहना की। शिक्षकों ने डॉक्टर रमन सिन्हा को बुके और अंगवस्त्र देकर वेलकम किया। वहीं सभी विभाग के शिक्षकों ने पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर को उपहार भेंट कर कॉलेज में दिए गए अमूल्य योगदान की प्रशंसा की। डॉक्टर रमन सिन्हा ने कहा कि नई जिम्मेदारी को वह सभी शिक्षकों और कर्मियों के सहयोग से निभाएंगे, साथ ही कॉलेज और छात्राओं के हित में काम करेंगे। वहीं डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में समय देगी। मौके पर टीएमबीयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद समेत कई शिक्षक और कॉलेज कर्मी मौजूद थे। आज मेरी नौकरी का 41वां साल है और इस पद पर मैं 3 साल रहे। जब मैंने इस पद को संभाला, मन में काफ़ी उत्साह था। बस एक ही मेरी इच्छा थी कि इस पद पर आकर मैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करूं और अपने महाविद्यालय को उच्चतम शिखर पर पहुंचाऊं। मेरा वो प्रयास चलता रहा, परसों तक चलता रहा। अब मैं सफल हुई या नहीं ये आप बताएंगे, लेकिन मैं अपने अंतरात्मा से काफ़ी संतुष्ट हूं। अब मेरे दूसरी ज़िंदगी का शुरुआत होगा, जिसके लिए मैं बहुत 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 आह्लादित हूँ। अनलॉक 2 को लेकर बुधवार को राज्य सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई। अब मास्क नहीं पहनने पर दुकान और मॉल को सील कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 2 में कई नए प्रावधान लागू किए हैं। इसके तहत अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल और दुकानों में आने जाने वालों के अलावा सार्वजनिक वाहनों जैसे बस ऑटो में चलने वाले यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर भागलपुर डीएम प्रणव कुमार ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
साथ ही सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। वहीं बुधवार को अनलॉक 2 के पहले दिन शहर में सरकारी गाइडलाइन की क्या स्थिति रही, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज से अनलॉक 2 लागू हो गया है, यह 31 जुलाई तक रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी डीएम को, सभी जिलाधिकारी है उसको स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश पारित किया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो शॉपिंग मॉल है, जो दुकानें हैं, उसको वहाँ मास्क लगा करके आना और जाना होगा, नहीं तो डीएम को यह अधिकार होगा कि वह मॉल भी डीएम बंद कर सकते हैं। और जो वाहन चालक है उसको भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सरकार ने यह फैसला लिया है और अनलॉक 2 आज से देश भर में लागू है। और इसके तहत कई बदलाव किए गए हैं, कई नियम, नए नियम लगाए गए हैं। लेकिन भागलपुर की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर, रानी लक्ष्मीबाई चौक की यह तस्वीर है। कई लोग अब भी बिना मास्क के ही बैठे हुए हैं, बिना मास्क के ही अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। और जगह जगह आपको यहाँ पर भागलपुर में जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। हालांकि सरकार का यह स्पष्ट गाइडलाइन है कि बिना जो मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर मौजूद, वह लोगों को मास्क लगाने को कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोग बिना मास्क के भी यहाँ पर हैं। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सरकारी दिशा निर्देश है जो लागू किया गया है, उसका अनुपालन करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर लहरी टोला स्थित दल्लू बाबू धर्मशाला में समस्या निवारण समिति की बैठक अशोक जीवराजिका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्राइवेट स्कूल द्वारा अभिभावकों से लॉकडाउन एवं स्कूल बंद होने की अवधि का फीस नहीं लिए जाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान मामले को लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार को आवेदन दिए जाने का निर्णय लिया गया। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की ओर से लोगों पर फी देने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे अभिभावक काफी परेशान हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी कामकाज ठप रहा और कोरोना महामारी के कारण अब तक स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल प्रबंधन दबाव बनाकर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन शिक्षण शुल्क, कंप्यूटर शुल्क एवं अन्य वार्षिक शुल्क भी जमा कराने के लिए अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मौके पर महासचिव रवि प्रकाश बुधिया, संयोजक गोपाल चौबे, अनुज कुमार सिन्हा, आनंद सहाय, सुनील अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। अभिभावकों की समस्या के लिए हम लोग सारे लोग बैठे हैं। स्कूल प्रशासन के द्वारा हम अभिभावकों को स्कूल फीस देने के लिए परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है। इस समिति में इस शहर के सारे गणमान्य लोग हैं, किसी कारणवश कुछ लोग कम आते हैं, लेकिन सारे लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम 200 से 250 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं इसमें। हम लोग की परेशानी है कि इस COVID-19 के चलते हम अभिभावक के किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग स्कूल की फ़ीस कहाँ से देंगे। उनका कहना है आप लोग को फ़ीस देना है, रीएडमिशन फ़ीस देना है। इसके लिए हम लोगों की मांग है कि जब तक स्कूल बंद है तब तक हम लोग से फीस नहीं मांगा जाए। भागलपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को ततारपुर चौक से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली का नेतृत्व जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सारिक खान नवाब ने किया। इस दौरान कोतवाली चौक, खलीफाबाद चौक एवं वैरायटी चौक होते हुए रैली स्टेशन चौक पहुंची, जहां डीजल एवं पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम और पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष सारिक खान ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होने से हम लोग परेशान हैं। अध्यक्ष सारिक खान ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम लोग परेशान हैं और देश में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत लगातार बढ़ने से माल ढुलाई और महंगाई बढ़ेगी, इसीलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ोतरी को वापस ले। साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव मृत्युंजय सिंह गंगा, मुजफ्फर अहमद, खुसरू रजा समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, बेतहाशा जो डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हुई है उसके खिलाफ आज जो है भागलपुर के युवा जन कांग्रेसी, आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सारिक नवाब के नेतृत्व में आज यहाँ जो है साइकिल मार्च निकाल के और
शहर में प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पे हम लोग यह कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का भाव बहुत कम है, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की बेलज्ज सरकार वो बेतहाशा वृद्धि पिछले 25 दिनों से करते जा रही है, ये कहाँ पे रुकेगा ये कहना मुश्किल है। गोराडी थाना क्षेत्र के सारथ हसनपुर पंचायत के शीतला स्थान मंदिर परिसर में बुधवार को हरिहर प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में बैठक किया गया। हम आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व आपराधिक तत्वों के द्वारा शीतला स्थान के पिंडी को तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर वीडियो सीओ एवं पुलिस बल के सभी पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। हालांकि शरारती तत्वों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य गोपाल यादव ने बैठक कर उद्देश्य बताते हुए कहा कि शीतला माता मंदिर की पिंडी का निर्माण किया जाएगा, जिससे माँ शीतला को विधिवत रूप से स्थापित कर फिर से पूजा पाठ किया जाएगा। मौके पर संतोष पंडित, चंदन यादव, चंदन शाह एवं आसपास के कई ग्रामीण मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य यह है कि यह बहुत पूर्व पूर्व जमाने से शीतला स्थान या माता हम लोगों के समाज के लिए श्रद्धा का विषय है। यहाँ पूजा पाठ यहाँ सभी करते आते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन संयोग की बात है कुछ दिन पूर्व शरारती तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर शीतला माता का पिंडी को उखाड़ के हटा दिया गया था, जिस कारण से प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण भी यहाँ पर आए हुए थे। भागलपुर नाथनगर अंचल कार्यालय में बुधवार को वरीय उप समाहर्ता त्रिलोकी नाथ सिंह ने मनरेगा के तहत 5 मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया। पीओ अजय कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे हैं उनको जीविका के लिए जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। जॉब कार्ड का वितरण सीओ राजेश कुमार की मौजूदगी में किया गया। सीओ ने कहा कि जॉब कार्ड के लिए 11 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें 6 लोगों के कागजात में त्रुटि पाई गई थी। साथ ही सीओ ने बताया कि जल्द ही सभी प्रवासी को जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। लायंस क्लब भागलपुर फेमिना की ओर से भागलपुर गौशाला रोड में 1 माह से चल रहे जल सेवा शिविर का समापन हो गया। क्लब की ओर से जल सेवा के साथ राहगीरों एवं गरीबों को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। क्लब की अध्यक्ष सारिका जैन ने कहा कि कोविड-19 से पूरी दुनिया त्रस्त है और इससे बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्लब की ओर से काफी लोगों को सेवा दी गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रीति शेखर, रश्मि अग्रवाल, संगीता झुंझुनवाला, शशि दालुका समेत कई सदस्य मौजूद थी। सामाजिक कार्य किया जाता रहा, मैं इसकी सराहना करती हूँ और इस क्लब के द्वारा जो समाज के लिए आगे बढ़कर इस कोरोना के संकट काल में जो इस सैनिटाइजर और मास्क बांटने का कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल डॉक्टर्स डे पर शहर के चिकित्सकों में दिखा उत्साह, कहा मरीजों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म। स्मार्ट सिटी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की प्रेस वार्ता, कहा जल्द दिखेगा स्मार्ट शहर। मायागंज अस्पताल के नए अधीक्षक ने पदभार किया ग्रहण, बोले मरीजों को देंगे बेहतर सुविधा। जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। और भागलपुर में चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर की चोरी, हजारों का सामान लेकर हुआ फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।